गाना यहाँ पे शूट हुआ था संजीव कुमार जी का, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा। देखिए ये गिरदा होता है, इसमें बनाते ये मैदे का बनता है और इसमें बनाते टाइम ना ये लाइंस वाला डिजाइन ऐसे ऐसे डालते हैं। गरीबों का खून पीस कर, गरीबों का टैक्स खाकर गरीबों पर जुल्म करते हैं। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान को अगर तरक्की करनी है तो इस्लामिक कानून लाओ। इसको नाला देने से एक तो ये शेप बन जाती है और इसे बैट थोड़ा हल्का हो जाता है। हल्का होता है। और कपिल देव ने इसी बैट से 175 बनाए थे 1983 वर्ल्ड कप। जगह देख के मजा आ गया मुझे। और पानी का बहाव बहुत तेज है इस वक्त ना, बिल्कुल ये लकड़ी का एक छोटा सा ब्रिज सा बना हुआ है और हिल रहा है। What's up guys, hope you're having a great time। तो हम लोग पामपोड़ से निकल के पहलगाम की तरफ निकल गए फिर से। रास्ते में एक जगह आती है अवंतीपुरा। तो अवंतीपुरा जो है यहाँ के एक राजा हुआ करते थे अवंतीपुरम, और उन्होंने ये जगह बनवाई थी। ये जो एक बेसिकली एक रुइंस है, इसको अवंतीपुरा रुइंस भी बोलते हैं, इसको अवंतीपुरम टेम्पल भी बोलते हैं। ये जो टेम्पल है दिस इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। तो तकरीबन हज़ारों साल पुराना ये एक टेम्पल है, देखने में बेहद खूबसूरत लग रहा है। मैं आपको पहले कुछ शॉट्स दिखाता हूँ, उसके बारे में थोड़ी जानकारी और मिलेगी तो आपको वो भी वीडियो में बताऊँगा। बस वीडियो पूरी एंड तक जरूर देखना, और चैनल को भी आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी फटाफट से कर लो। विद ट्राइपॉड। तो ट्राइपॉड के साथ यहाँ पे वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं है, फ़ोन वगैरह से या फिर डिजिटल कैमरा वगैरह से हाथ में पकड़ के कर सकते हैं। यार काफ़ी पुरानी जगह है, पत्थरों के ऊपर ना बहुत ही डिटेलिंग में ना कार्विंग की गई है, और आई थिंक देवी देवताओं की शायद इमेजेस ही बनी होंगी। नॉर्मली क्या होता है, हम किसी ऐसी जगह में जाते हैं तो नीचे एक छोटा सा बोर्ड लगा होता है जिस पे लिखा होता है कि आइडल किसका है। अच्छा, इससे पहले आई हैड नो आइडिया कि मतलब कश्मीर में एक ऐसी जगह भी है। और काफ़ी पिक्चरेस्टिक है यार जगह ये तो। आई एम श्योर यहाँ पे हो सकता है कोई शूटिंग वूटिंग भी होती हो, परमिशन लेनी पड़ती होगी ऑफ कोर्स। है हम कश्मीर में, लेकिन आज ना बहुत तीखी धूप है, थोड़ी सी ना हीट महसूस हो रही है, और लेकिन ये जगह बहुत खूबसूरत है यार, बेहद पिक्चरेस्टिक। और फोटोज़ वोटोज़ भी यहाँ पे आप खिंचवा सकते हैं। ज़्यादा कोई बड़ी जगह नहीं है, इट्स लाइक छोटी सी जगह। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे ना श्राइन्स बने हुए हैं, बीच में आपको एक दिखाया मंडप बना हुआ है, ये पीछे मेरे पिलर्स बने हुए हैं, और ये एक गेटवे सा बना हुआ है। सर इस जगह का नाम है अवंतीपुर, जो सर कश्मीर की राजधानी कैपिटल था कश्मीर का 1200 साल पहले। अवंतीपुर जो आजकल कैपिटल श्रीनगर है, मुगल के दौर में श्रीनगर कैपिटल बन गया। महाराजा अवंती वर्मन उड़ीसा से आई थी, उत्पला डायनेस्टी, वो सर कश्मीर के लिए तीसरी डायनेस्टी था जिन्होंने शहर बसवा लिया AD 855 9th century में। उस समय उन्होंने यहाँ पे कुछ मंदिर बनवाए थे, उसमें से नज़र आता है विष्णु भगवान के नाम का। 1 किलोमीटर आगे जाओगे वहाँ पे भी ऐसी और एक रुइनस मिलेंगे, इससे छोटा सा, शिव जी के नाम पर। फिर सर हिस्ट्री के मुताबिक 500 साल तक अच्छी कंडीशन में रहा था 14th century में। 14th century में आपको पता ही होगा अफगान का कब्जा हुआ, उस पीरियड में पूरा इंडिया में जगह जगह डिस्ट्रॉय हुआ था। जैसे यहाँ पे कुछ टेंपल, मार्टंड सन टेंपल, महाबलीपुरम, नालंदा यूनिवर्सिटी, जलाउद्दीन खिलजी ने किया, कुछ बाबर ने किया। डिस्ट्रॉय होने के बाद 14th century 1426 में 15वीं सदी में भूकंप आ गया, जिसका नेचुरल डैमेज कश्मीर में उस समय जगह जगह मिट्टी का माउंटेन टूट गया, जो रेत वाला माउंटेन था वहीं फट गया था। आहिस्ता आहिस्ता फ्लड के कारण पूरा सिटी में फैल गया था। जब यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट का पीरियड रहा उसमें सर 1913 से लेकर 1923 तक एक्सकवेट करके निकाला था रखलदास बैनर्जी, बंगाली आर्कोलॉजिकल इंजीनियर, जिन्होंने ये एक्सकवेट करके निकाला। और इस मंदिर में अंदर 5 मंदिर बना हुआ था, इसका नाम था पंचायतना मंदिर, और 5 के नाम से क्या लोग जाने जाते हैं सर, 5 पांडवों का बना हुआ। जगह जगह जाओगे घूमने के लिए, किसी जगह केव्स नजर आएंगे, बिखरा हुआ बड़े बड़े स्टोन नजर आएंगे, और कोई कोई बताएंगे पांडव ने बना कर रखा, पांडव कश्मीर में आया नहीं सर। पांडव लोग 5000 साल पहले हिमाचल से जम्मू की तरफ आ गया था, जम्मू में 2-4 जगह पे बना के रखा, वापस निकल गया, उसके बाद बुद्धिज्म आ गया था।
बुद्धिज्म के बाद कारकोटा डायनेस्टी ललित अदिति मुक्तापीढ़ी जिन्होंने उस समय पहला मंदिर बनाया शिवजी शंकराचार्य मंदिर राजधानी परियासपुरा पट्टन बारामूला साइड लास्ट पीरियड में सबसे बड़ा टेम्पल बनाया था उन्होंने 8th सेंचुरी में मार्टंड सूर्यदेव का मंदिर। यहाँ के जो राजा थे अवंती वर्मन ये उनका इमेज बना हुआ है साथ में उनकी रानियां हैं और उनकी दासियां हैं ये इमेज बना हुआ है। जो मूर्तियां जो इमेजेस हम खुजराहों में देखते हैं उनमें से एक यहां पे है कामदेव भगवान की। यहां पे किस रूप में है विष्णु भगवान सिक्स हैंड वाले छह हाथ वाले दाएं साइड में जो तीन हाथ थे एक हाथ में कभी कुबार चक्र रहता था कभी कुबार कमल का छड़ी रहता था दूसरे हाथ यक्ष की तरह तीसरे हाथ में शंख ठीक है और बाएं साइड में एक हाथ में धनुष दूसरे हाथ लक्ष्मी देवी के साथ तीसरे हाथ में जप माला था और साथ में भूमि देवी लक्ष्मी देवी अर्थ गॉड मनी गॉड और जो डेकोरेट किया गया था इस मंदिर में डक्स शेर का मुंह घंटी का दिया गया ऊपर लोटस फ्लावर कमल के फूल। तो दोस्तों ये था यहाँ की रुइंस यहाँ का टेम्पल सारी हिस्ट्री मैंने आपको जितनी मालूम थी बता दी है और एक चीज़ आपको और बताता हूँ जैसे मैं पहले भी बता रहा था कि यहाँ पे शायद फिल्मों की शूटिंग हुई होगी और एक गाना यहाँ पे शूट हुआ था संजीव कुमार जी का तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा वो यहीं पे शूट हुआ था। चलिए यहाँ से निकलते हैं आगे बढ़ेंगे। 15 minutes later तो कश्मीर में ना बहुत सारे आपको ऐसे तंदूर मिल जाएंगे ऐसी दुकानें होती हैं जहाँ पे भट्टी वगैरह लगी होती है और वहाँ पे कश्मीरी ब्रेड्स वगैरह बनाई जाती हैं बहुत तरह की ब्रेड्स होती है ऐसे मुझे अभी नाम तो याद नहीं है लेकिन अभी हम एक तंदूर के बाहर खड़े हैं अंदर चलेंगे आपको दिखा दो किस तरह की प्रिपरेशन हो रही है क्या क्या यहाँ पे ब्रेड्स बन रही है ठीक है। ये क्या है खाने देखो ना क्या है बकर खानी अरे वाह तो गर्म ही बहुत ज्यादा है अरे आपको तो आदत हो गई ना आपको हो गई आदत आपको आप पकड़ लो क्या बोला था इसका बकर खानी ये लग तो नहीं रही है वैसे इस तरह से दिखती है। लो ताशी भाई डू दी ऑनर्स आप अब करो आप खाएं थोड़ा सा टेस्ट करते हैं एक दो कोशिश करूँगा कि आपको ना एक दो दुकानें ऐसी जो होती हैं ना पहलगाम के रास्ते में और आएंगी वहाँ पे भी आपको दिखाएंगे कैसे लो भाई जान गुलाम भाई नहीं क्या हो गया काफ़ी क्रिस्पी ब्रेड है यार तेल वगैरह ना ऊपर लगा रखे हैं बहुत ज़्यादा फ्लेकी है यार। तो अभी हम लोग एक और जगह पे आ गए हैं और यहाँ पे भी कश्मीरी ब्रेड्स बन रही हैं भाई ना थोड़ा थोड़ा हमें बताएंगे जो ये कांदूर किसको कहते हैं एग्जैक्टली जो बेकर होते हैं ना उसको कश्मीरी में कांदूर कहते हैं बेकर और अभी आप यहाँ पे क्या क्या बना रहे हैं हम रोटी बनाते हैं लवासा बनाते हैं चचूर बनाते हैं बाकर खानी बनाते हैं कुलचा बनाते हैं चचूर डिफरेंट टाइप ऑफ चचूर कश्मीरी में चचूर के छोटा वाला ना डोनट की तरह दिखता है ऊपर तिल लगे होते हैं ये सारी आइटम जो है ना अपनी ये बनती है तंदूर में ठीक है तंदूर भी चल रहा है और इसमें घी वगैरह भी डलता है कुछ घी में नहीं डालते हैं और लवासा में भी शायद घी नहीं जाता अगर कोई मतलब ये अगर कोई डिमांड करे ऑर्डर देगा मतलब घी लवासा उसको देते हैं नॉर्मली नहीं जाता घी ठीक है और ये कौन कौन सी ब्रेड्स हैं इधर ये अभी है ये इसको बोलते हैं कश्मीर में गिरदा अच्छा ये गिरता है इसमें घी जाता है ये डिजाइन वाली ब्रेड होती है ना इसमें हाथ से डिजाइन जाता है ये भी गिरता है ना ये भी गिरता है ये छोटा है ये बड़ा साइज है ये देखिए ये गिरदा होता है इसमें बनाते ये मैदे का बनता है और इसमें बनाते टाइम ना ये लाइंस वाला डिजाइन ऐसे ऐसे डालते हैं और ये गिरदा कहते हैं इसको किस चीज के साथ खाया जाता है ज्यादा ये ज्यादा यहाँ कश्मीरी में ये नून चाय के साथ खाते हैं अरे वाह नून चाय के साथ हम तो सुबह से नून चाय ढूंढ रहे हैं तो नून चाय नहीं मिल रही है यार नून चाय यहाँ ज्यादा चलती है नून चाय बहुत चलती है पर लोग मैं देखा सुबह सुबह ज्यादा पीते हैं ना सुबह सुबह मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट से पहले हमें ब्रेकफास्ट से
ये पंजाब की तरह यहाँ पे भी लोग हॉर्न मारते हैं इतना यार। ये अभी वीआईपी चल रहे हैं। तो अभी हम ना ये बेकरी के अंदर आ चुके हैं जहाँ पे ब्रेड्स बन रही हैं, और अभी यहाँ पे चूचूर बन रहा है। अभी सामने भी देख सकते हैं टेबल पे सारा सेटअप किया हुआ है, और ये तंदूर है। अच्छा, ये तंदूर जो है, एक चीज मैंने देखी कि यहाँ पे कश्मीर में तंदूर नीचे होता है, जमीन के अंदर हम फिक्स करते हैं, जमीन के अंदर फिक्स होता है। वो जो ऊपर वाला होता है वो इतना पावरफुल नहीं रहता है। ओ अच्छा, वो गैस पे भी होता है वो? नहीं, अगर जब उस पर लवासा मारते हैं फोर्स से, उसका मतलब फोर्स से दीवारें मतलब कमजोर हो जाती है। ओ अच्छा, ऐसा है। अभी ये क्या बन रहा है, ये कौन सा डिजाइन बन रहा है? ये 10 रुपए वाले बनते हैं, इसमें थोड़ा डिजाइन डालना पड़ता है। ये भी है वही चुचूरी? जब जमीन के अंदर जब ये रहता है ना, इसमें फोर्स बराबर रहती है। तो भाईजान के साथ बातें करके बहुत मजा आया। अभी कुछ चीजें हैं हमारे इंडिया में, एक बात बताइए, सब कुछ है हमारे इंडिया में, लेकिन रूल ऑफ लॉ नहीं है। वो नहीं है, तो कल से हम थोड़ा यही बातें कर रहे हैं। रूल ऑफ लॉ नहीं है, जिसको जो मर्जी होती है ना वो करता है। यहाँ इंडिया में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रूल ऑफ लॉ नहीं है। सही बात है भाई, मेरा पासपोर्ट ही नहीं आ रहा 3 महीने से। आप सोचो यार क्या सिस्टम। मैं तो कहता हूँ भाई मुझे ऑफिसर बना दो। आप चाइना को देखो, एक दिन में जो चीज बनती है वो इंडिया में 2 साल में बनती है। वो भी सही है, वो भी सही है। आप अपनी सही है, पंक्चुअलिटी नहीं है भाई। हमारे देश में सिस्टम थोड़े खराब है। देश में करप्शन ने हमारे देश को बर्बाद कर दिया है। ये जो करप्शन है ना, इसने हिंदुस्तान की जड़ें काट के रख दी है 1947 से लेकर आज तक। भाई चाहे किसी को ये बातें कड़वी लगे, पर है ये सच्चाई। तो चलिए, जो भाईजान से मिला, कभी उस पल्ले में फंसा है, कभी इस पल्ले में फंसा है, कभी गरीबों का खून पीस कर, गरीबों का टैक्स खाकर गरीबों पर जुल्म करते हैं। सर तो चले यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आए तो थे भाईजान के कुलचे, लवासा, ये सब देखने, लेकिन भाईजान की बातों में बड़ा दम है। चीज को नहीं कहते हैं जो सड़कें बनाएंगे, जो पानी देगा। हुकूमत में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। अभी कलकत्ता में उस औरत के साथ, एक डॉक्टर लेडी के साथ रेप हुआ, उनको 2 दिन में उनके साथ डिसीजन होना चाहिए था, उनको बीच चौराहे पर फांसी देनी थी। यही बात हुई हमारी कल। क्या कानून है, क्या वो आप उनको ट्रायल करेंगे, फिर उनको बेल देंगे, फिर उनको पता नहीं कोई जज पैसा खाएगा, वो उनको 10 साल के हमारे मजहब में है, काजी को बिठाओ 2 दिन में फैसला, 3rd दिन फांसी। हिंदुस्तान को अगर तरक्की करनी है तो इस्लामिक कानून लाओ। तो दोस्तों, जिस जगह से हम लोग अभी गुजर रहे हैं, इस एरिया को कहते हैं संगम, और यहाँ पे बहुत सारी बैट फैक्ट्रीज हैं। क्रिकेट बैट्स यहाँ पे बनते हैं, छतों के ऊपर इतने बड़े बड़े देखो आप सेट्स में बैट रखे हुए हैं। तो दोस्तों, पहलगाम जाते जाते रास्ते में एक जगह आती है संगम, और ये जगह जानी जाती है कश्मीर विलो के लिए। बहुत सारी यहाँ पे बैट्स बनाए जाते हैं, बैट्स की फैक्ट्री है यहाँ पे। मेरे पीछे कुछ दुकानें हैं, तो हमने यहाँ पे गाड़ी रुकवाई है देखने के लिए कि जो यहाँ पे बैट्स हैं वो कैसे बनते हैं। तो चलो आपको भी थोड़ा सा दिखाते हैं। सही लग रहा भाई तू, इतना बड़ा बैट। वो कौन सा बैट है भाई? ये क्रिस गेल का बैट। क्रिस गेल का बैट है भाई। इस तरह से ये शॉप बनी हुई है, यहाँ पे ये सारे बैट्स वगैरह हैं, और यहीं पे सारे बनाए जाते हैं। अभी आप देखेंगे ना, यहाँ पे एक सारा फैक्ट्री माल जा रहा है, ये माल जा रहा है ना सारा। ये बैट्स हैं, दिखा सकते क्या है ये? हैंडल सिंगापुर से आता है, सिंगापुर का है, गुड़ कश्मीर का है, कश्मीर लो। ओके ओके, ये है भाई कश्मीर विलो। तो इसको अभी और पॉलिश करेंगे, फिनिशिंग में रहेंगे भाई। ये इनका पूरा गोदाम वगैरह बना हुआ है यहाँ पे, अंदर फैक्ट्री टाइप बनी हुई है। हाँ जी, हाँ जी भाई। अच्छा, ये बैट्स यहाँ पे होता है भाई, सिंगे से क्लिप होता है, सही है, ठीक है। और हैंडल का भी वी शेप नहीं दिया होता है। ओके, वाली मशीन से हम इस क्लिप को भी वी शेप देते हैं और हैंडल को भी वी शेप देते हैं, ठीक है। इसको फेविकोल से जोड़ते हैं। ओके, ये फेविकोल से जुड़ा हुआ है, शेप दे देते हैं इसको, ठीक है। से जुड़ा हुआ है, फिर इसको फर्दर प्रोसेस के लिए हम इधर इस वाली मशीन से देते हैं, ठीक है। अच्छा, इस मशीन को क्या कहते हैं? इस मशीन को ब्रेंडसा कहते हैं, इससे हम बेसिक प्रोफाइल देते हैं, सही है, राइट। जो ये वुड होती है उसको बेसिक प्रोफाइल देने के लिए प्रॉपर शेप देते हैं, और साइज वगैरह मेजर वगैरह करके सारा उस हिसाब से बनाया जाता है, ठीक है। बैट में कितनी चौड़ाई रखनी है, 4.5 रखनी है, 4.25 रखनी है, मतलब चौड़ाई कितनी है, वो साफ वाली जो मशीन है ना उससे डिटरमाइन होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है।
फिर अगर बैट को और हल्का करना हो ना तो फिर इस वाली मशीन से हम इसको फिर ये जो ग्रीन वाली सामने मशीन दिख रही है इस पे और ज़्यादा फिनिशिंग टच वगैरह आ जाता है। अगर वेट हल्का और करना हो तो ये नाला देते हैं पीछे। ओह अच्छा अच्छा, इसको कहते हैं नाला देना। जी जी जी, इसको नाला देने से एक तो ये शेप बन जाती है और इससे बैट थोड़ा हल्का हो जाता है। हल्का होता है और अच्छा भी होता है खेलने के लिए, खेलने के लायक होता है बैट। फिर फर्दर हम इस वाली मशीन पे हम इसको सफाई वफाई करते हैं, उससे बाद फिर पॉलिशिंग होती है, फिर ऊपर से लेबलिंग होती है बस। अच्छा, ये बैट और हल्का हो गया, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं सिकू प्रोसेस। पर यार ये चीज़ तो मैंने कभी देखी नहीं है कहीं पे, यही चलता है ऐसा बैट तो ज़्यादा यही यूज़ होता है। ऐसा बैट देखा कभी? देखा है, तो और हल्का हो गया ना बैट। टेनिस के लिए यही ज़्यादा, टेनिस की क्रिकेट गेम हो ना उसके लिए ये सही रहता है। ये क्या, ये कौन सा बैट पड़ा हुआ यार, इसका तो साइज ही माशाल्लाह। शो के लिए, फोटो वोटो खींचने के लिए। अच्छा, ये देखो यार, हाइट देखो इसकी, फोटो वोटो खींचने के लिए ये बैट है। साइज देखो तो आदमी से भी मतलब छोटे साइज का होगा ये है भाई बैट। सही है, ये बैट क्रिस गेल, विवन रचेरी, वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर है ना उनके लिए सही है ये। और ये है मॉन्गूल्स, कौन सा था ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर? मैथ्यू हेडन। मैथ्यू हेडन, वो इससे बहुत खेलता था। कपिल देव ने इसी बैट से 175 बनाए थे 1983 वर्ल्ड कप। तो दोस्तों अभी हमने गाड़ी रुकवाई है, सुबह से कुछ खाया नहीं था, अभी थोड़ा सा लंच करेंगे। हम लोग हैं अकड़ नाम की जगह और ये है अनंतनाग करके। यहाँ पे बहुत सारे ना रेस्टोरेंट्स हैं इस जगह पे, इनमें से एक पे चलते हैं, देखते हैं क्या खाते हैं लंच वगैरह। काशी भाई को खाना था बटर चिकन, अभी हम खाएंगे पराठे। हाँ ये दो मंगवाई थी, कॉमेंट में मंगाया, ये लग तो पूरी भी सही रही है। और एट गाइस, तो हमने लंच कर लिया, बहुत बढ़िया था वैसे देखा जाए। पूरी छोले ये भाई लेके आए थे और अभी हम जा रहे हैं मुकाम। सुनने में ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन सी चीज़ हासिल करने जा रहे हैं, बट अब ये भाई कह रहे हैं कि सरप्राइज़ है आपको, तो लेट्स सी, चलते हैं देखते हैं कैसा है। दिस इज़ अनबिलीवेबली गुड भाई। रास्ते में मुझे एक जगह दिखी है यहाँ पे और बेहद खूबसूरत नज़ारा है, मैं आपको दिखाता हूँ। आय हाय 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 भाई साहब, ये देखो पानी का करंट, देखो भाई ये कहाँ से आ रहा है, ऊपर से पहाड़ों से पानी आ रहा है, बेहद खूबसूरत है। हाँ नहीं नहाना है। अद्भुत नज़ारा है यार, ये जगह देख के मज़ा आ गया मुझे। और पानी का बहाव बहुत तेज़ है इस वक्त ना, बिल्कुल ये लकड़ी का एक छोटा सा ब्रिज सा बना हुआ है और हिल रहा है। थोड़ा रिस्क लेके इसके ऊपर मैं शूट कर रहा हूँ और दिल तो कर रहा है मैं यहीं पे कॉफ़ी वॉफ़ी लेके बैठ जाऊँ। मज़ा आ गया यार ये जगह देख के यार, खूबसूरत कश्मीर। थोड़ा सा आगे भाई जान, सलाम वालेकुम, कैसे हैं? क्या बात है यार।